सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। वृद्ध अतीत में जीता है इसलिए निराश रहता है, युवा भविष्य में जीता है इसलिए निराश रहता है, लेकिन बच्चा वर्तमान में जीता है इसीलिए सदैव खुश रहता है। सफलता मन की शीतलता से उत्पन्न होती है। जिस प्रकार ठंडा लोहा ही गर्म लोहे को काट और मोड़ सकता है, जिस काम को करने में डर लगता है उसको करके दिखाना ही साहस कहलाता है। आज का पंचांग 18 अक्टूबर 2022 दिन मंगलवार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, सुबह 11:58 तक रहेगी। इसके उपरांत नौमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुष्य नामक नक्षत्र सुबह 8:02 तक रहेगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:03 से 4:29 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:49 से 12:33 तक रहेगा। आज चंद्रमा कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगे। वृषभ राशि 18 अक्टूबर 2022 दिन मंगलवार, पिछले कुछ समय से आप आवेग के प्रभाव में आकर फैसले ले रहे हैं, लेकिन आज आपको योजना बनाकर सही ढंग से काम करने की महत्व का पता चलेगा। इससे आपकी प्रवृत्ति बदल जाएगी और आपके काम का ढंग नियोजित होता जाएगा। योजना बनाने के लिए कभी देर नहीं होती, जब जागो तभी सवेरा। योजना बनाकर आप सभी कामों को सही ढंग से कर भी पाएंगी। पारिवारिक गतिविधियों में व्यस्तता रहेगी। स्पिरिचुअल कार्यों में भी आपका रुझान रहेगा। विदेश जाने के लिए प्रयासरत लोगों को कोई खुशखबरी मिल सकती है। आपकी प्रतिभा और व्यक्तित्व की लोग सराहना करेंगे। जितना ध्यान आप अपनी व्यक्तिगत प्रगति पर दे रहे हैं उतना ही ध्यान जिम्मेदारियों पर भी देने की आवश्यकता है। परिवार से संबंधित जिन बातों में आपको निराशा होती है उनमें बदलाव करना अभी संभव नहीं है, इसलिए परिस्थिति को जैसी है वैसी अपनाएं। लोगों तक धीरे धीरे अपने विचार पहुंचाने की कोशिश करनी होगी। यदि कोई बोझ हो तो उस बारे में स्पष्ट चर्चा करें। विदेश से संबंधित काम करने की इच्छा है तो संबंधित दस्तावेज ठीक से प्राप्त करने की कोशिश करें। रिलेशनशिप से संबंधित तकलीफों को दूर करने के लिए परिवार का कोई व्यक्ति मदद करेगा। बढ़ते वजन के कारण चिंता हो सकती है। सावधानियां, आय की स्थिति मध्यम रहने की वजह से बजट का ध्यान जरूर रखें तथा अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाएं। भाइयों के साथ संबंध मधुर बनाकर रखने के लिए आपको प्रयास करना होगा। किसी दोस्त के कारण आपको तनाव हो सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। परिवार की किसी परेशानी को लेकर कुछ तनावपूर्ण वातावरण भी रह सकता है। आपसे सामंजस्य से समझाने का प्रयास करें। आपने अपनी सारी बातें अपनी तक ही सीमित रखी हुई थी और समय है कि आप अपने साथी के साथ इसे साझा करें। यदि आपके कुछ रहस्य और डर हैं तो उनका भलीभांति सामना करें। आपका साथी बातों को साझा करने में विश्वास करता है और वह आपके स्वभाव की सराहना करेगा। इस राशि का चंद्रमा आपकी कुंडली में चमक बिखेर रहा है और एक दूसरे से अपनी बात साझा करने के साथ यह आपके रिश्ते को काफी दूर तक ले जाएगा। बात करते हैं करियर की। आप अपने सभी लक्ष्यों को समय पर पूरा करेंगे और कार्य क्षेत्र में शांति का माहौल रहेगा, लेकिन व्यापार के मामलों में किसी भी समझौते पर हस्तक्षेप करने से पहले कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श करें। धोखाधड़ी की संभावना है। यदि संभव हो तो अपनी व्यापारिक सौदे को दूसरे दिन तक ढालें और अपने सहयोगियों की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करें। बिजनेस में नए कामों से जुड़ी योजनाओं की रूपरेखा जरूर बनेगी। व्यावसायिक इन्वेस्टमेंट के लिए समय अनुकूल है। नौकरी पेशा लोगों को अपने काम में ध्यान देने की जरूरत है। बात करती है सेहत की। आपकी सेहत काफी अच्छी लग रही है।
आज अपना मनपसंद खाना खाकर आनंद ले। शराब पीकर गाड़ी चलाने से बचें, कोई अप्रत्याशित तथा अचानक नुकसान हो सकता है। आज कहीं यात्रा करना सुरक्षित नहीं होगा, विशेषकर जो लोग इसी प्रकार के कामों या नौकरी में हैं, बहुत अधिक सावधान रहें। आज का उपाय, आज अपन मान भगवान जी को सिंदूर चढ़ाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।